ये जो भी वीडियो देख रहा है वो एक ही पर्पस से देख रहा होगा कि हम हाइड्रोपोनिक कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसके अंदर न्यूट्रिशन डाले जाए। और हम जो न्यूट्रिशन डालते हैं वो आपको आज बताएंगे कि हम कैसे तैयार करते हैं और किस टाइप से डालते हैं, और उस न्यूट्रिशन का आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये सैलड पत्ता लगा रखा है हमने, काफ़ी अच्छी फसल हो चुकी है ये। ये भी कुछ 4-5 दिन और लगेंगे, इसके बाद ये कटाई होके ये कहीं पे भी जा बेच सकते हैं हम, या खुद घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर हमने टमाटर लगा रखे हैं, ये टमाटर की भी क्रॉप देख रहे होंगे, टमाटर गुच्छे में आते हैं। और आगे हमने बैंगन, बंद गोभी, और इससे पहले हमने फूल गोभी भी काट के बेच चुके हैं, और ब्रोकली भी बेच चुके हैं। ज़्यादा ना बात करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन हम कैसे तैयार करेंगे, जो कि हमारे पास 3 न्यूट्रिशन है, ये देख सकते हो आप, जिसमें कि हमारे पास 2 तैयार हैं और 1 हमें तैयार करना है। ये हमारे 1 किलो का पाउच है। इस 1 किलो के पाउच को हम, ये जो हम पानी जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये नोटिस करें, इस न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट जो हमारा पानी होता है वो कम से कम TDS इसका 150 से ही नीचे होना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि आपके पास TDS 100 होना चाहिए, जो फिल्टर का पानी होता है। 100 से भी नीचे रहा तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। फिर उसके अंदर हमें ये जो 1 किलो का पाउच है उसे हमें पूरा डाल देना है फाड़ के। तो इसके अंदर हम डाल देंगे, ये पूरा 1 किलो का हम डाल चुके हैं, जो ये हमारा न्यूट्रिशन है। 4 लीटर पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से डाल लिया, और इसे हम अराउंड 15-20 मिनट, या माने तो ये 5 से 10 मिनट में घुल जाता है। मैं कहूँगा आपको अच्छे से घोलना इसे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट घोलने के बाद ये न्यूट्रिशन तैयार हो जाएगा आपका। और ये हमने 2 न्यूट्रिशन तैयार करके रखे हैं, ये भी 4-4 लीटर के पानी में ही बनाया है, जिसमें कि हम इसके अंदर बनाने के बाद, अब ये हमारे लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। 1 किलो का पैकेट था हमारे पास, उसके बाद हमने इसे 4 लीटर पानी में बनाया न्यूट्रिशन, और ये हमारा जो तैयार हो चुका है न्यूट्रिशन लिक्विड में, जो कि हम पानी के अंदर अब यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज़ करने का भी तरीका अलग होता है, जैसे कि अब हम ये आप चॉकलेटी वाला देख रहे हैं, इसे अब हम जो यूज़ करेंगे, जो हमारी टैंकी होती है उसके अंदर, अगर 1 लीटर के हिसाब से देखा जाए तो हम 1.6 ml डालेंगे, 1.6 ml ये डालेंगे, उसके बाद 1.6 ml हमारा ये होएगा, और उसके बाद ये शुरू के स्टेज में कम रहता है हमारे पास, उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे रेशियो बढ़ता है। फर्स्ट स्टेज में ये डालते हैं, और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं 250 लीटर की टंकी है हमारे पास, जो कि इस वाले रैक में हमने सेट कर रखी आगे की तरफ, तो उसके अंदर हम इसका रेशियो बनाते हैं, जिसमें हम पत्तेदार सब्जी है सिर्फ, ये 2 न्यूट्रिशन हम यूज़ करते हैं, जिसमें से एक ये और एक ये, सिर्फ पत्तेदार सब्जियों में, पत्तेदार में, और जो कि हमारे फल फ्रूट वाले होते हैं जिसमें हमारे तीनों लगते हैं, तीनों का यूज़ होता है, वो भी अलग अलग स्टेज में। और फिर इसे हम, आप मानो कि इसके अंदर जो टंकी लगी हुई है हमारी 250 लीटर की टंकी है, अब इस टाइम मोटर रन हो चुकी है हमारी, अपने आप पानी इसके अंदर रन हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये पानी जो कि अपने आप स्टार्ट होती है हमारी मोटर, और उसके बाद इसमें अराउंड 5 मिनट ये पानी चलेगा, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। और ये 5 मिनट का ही पानी है, जो 5 मिनट रोटेट करता है ये पानी, उसके बाद ये 2 घंटे तक बंद रहेगी मोटर। और ये जो टैंक, ये जो हमारा सेटअप है सलाद पत्ता का, इसमें हम सिर्फ एक ये और एक ग्रीन वाला, ये 2 यूज़ करते हैं, उनकी भी क्वांटिटी होती है हमारी 250 लीटर में, 300-250 ml डालते हैं हम पानी, ये न्यूट्रिशन, और जो कि 7 से 8 दिन चल जाता है हमारी उस टंकी का पानी। अरे इससे जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है कितनी अच्छी होती है, ये अभी आप देखोगे, ये अभी हमें अराउंड 15 दिन हुए हैं लगाए हुए ये पौधे, सिर्फ 15 दिन, 15 से भी कम ही है, क्योंकि 1 दिन हमने गैप दे दिया था, उसके बाद ही ये लगाया था, और आज इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, सारे पौधे खड़े हैं। और आगे हमने अभी ककड़ी के कुछ पौध लगाई है, वो स्टार्टिंग के लिए हम इसके अंदर फर्स्ट रेशियो है, तो फर्स्ट रेशियो में ही हम डाल के
स्टार्ट करते हैं और ये 3 दिन हो गए हमारे पौधे खड़े हो गए हैं 3 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे। बस यही मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ न्यूट्रिशन के लिए। आप सोचते हो कि काफ़ी महंगे न्यूट्रिशन आते महंगे आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको जो पर्चा मिलता है उसके अंदर सारी डिटेल लिखी रहती है आपको कैसे यूज़ करनी है। अब उस यूज़ में आप कैसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर आपका महंगा भी न्यूट्रिशन आता है उसकी क्रॉप आप 1-1.5 क्विंटल आप तैयार कर सकते हो उस न्यूट्रिशन से भी, और इस न्यूट्रिशन से भी ये काफ़ी सस्ता न्यूट्रिशन आता है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। बस मैं इतनी थोड़ी सी जानकारी है ये मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा हूँ। बस थैंक यू, आगे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, और आपको इसका नाम जानना है नाम जान सकते हो, और ये कहाँ से मिलेगा आप ये भी जान सकते हो। बस थैंक यू दोस्तों, मैं इतना ही आपको बताना चाहता था, और मेरी इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे तक भी पहुँचाएं। जिनको ये हाइड्रोपोनिक सेटअप लगाना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।